सलामैकम तो क्या हाल चाल है भाई लोग वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू PUBG मोबाइल ऑसम किस्म के सोलो वजस्कॉड गेम प्ले के अंदर और फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग गेम प्ले था ये तुम्हारे भाई के चैनल के ऊपर बाबा जी सोलो स्क्वाड का गेम प्ले लेकर आओ न्यू इवेंट पे तो आ गया तुम्हारा भाई एक ओपी और हार्ड किस्म का जो है ना वो सोलो स्क्वाड का गेम प्ले लेकर अब यहां पर देखो तुम लोगों को पता ही गया रिकॉर्ड तो मैंने तुम लोगों को बताया था ना काफी देर पहले का किया भाई ये गेम प्ले लेकिन जब से पॉपुलैरिटी बैटल आया ना यार तुम लोगों को उसका क्रेज इतना पड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट हर वीडियो में तुम्हारा भाई गिव अवे भी कर रहा है पॉपुलैरिटी प्लस यूसी का और लास्ट दो से तीन वीडियोज भी आप लोगों को पता ही है कि भाई उसी चीज के बारे में ये तो इसलिए यार जो गेम प्ले है ना थोड़ा सा डिले हो गया अच्छा ये एक ही गेम प्ले नहीं निकाला सोलो बजे स्क्वाड का एक से दो तीन चार पांच गेम प्ले हैं यार जो कि आहिस्ता ऐसा तुम्हारा भाई अपलोड करता रहेगा तो फिलहाल के लिए तो तुम लोग आज का गेम प्ले जो है ना वो एंजॉय करो और आज की वीडियो के ऊपर भी एक जो है वो बहुत ही ओपी किस्म का गिव अवे रखा तुम्हारे भाई ने यानी कि यूसी प्लस पॉपुलरिटी का, का। सबसे पहले तो जो भाई भी न्यू है ना काइंडली चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों ने चेकआउट कर लेना यार आपका बेल आइकन आल पर है या नहीं फिलहाल के लिए चलते हैं सीधा गेम प्ले की तरफ तुम लोगों को आगे फर्ट सीन इंजॉय करवाता हूँ करते हैं कुछ लगाते हैं वोट बिना टाइम वेस्ट किए आज मेरे साथ तो फ्रेंड यहाँ पर ना फिलहाल तो हमारे हफ्ते जो है ना एक ही बंदा चढ़ता है आर एल नबील यहाँ पर हम डीपी ड्रॉप करके शॉर्ट गन उठाते हैं उसकी रीजन जो है ना सबसे बड़ी ये थी कि यार शॉर्ट गन बेस्ट गन है यानी कि बीस्ट गन है क्लोज रेंज के अंदर और पर पर तुम्हारा भी एक बंदे को डाउन करता है और जैसे इस बंदे को तुम्हारा भी डाउन करता है ना यार मैं कर देता हूं आगे पुश क्योंकि बाबा जी पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपने एक डाउन कर दिया तलवार अपने हाथ में यानी कि कवर मिल जाएगा नेट शेड करते हैं और आगे इन बंदों की भी पेटियां बनाते हैं बुरा टाइम वेस्ट किए जाओ मेरे साथ फ्रेंड्स जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि शॉटगन जो है ना वो क्लोज रेंज के अंदर बीस्ट गन है बाबा जी तुम लोगों ने देखा कि मेरी एचपी कितनी थी और वहां पे उस बंदे को जस्ट एक फटका पड़ा और भाई बंदा डाउन अब यहाँ पर तुम्हारे भाई के तीन किल हो गए और यार ये वाला किल भी मैं चोरी कर सकता पता नहीं किस बंदे का जो है वो नोक पड़ा था लेकिन इस बंदे ने जो दरवाजा बंद किया ना मुझे टाइम ही नहीं मिला इस बंदे को डाउन करने का और यहाँ से ये वाला किल तुम्हारे भाई के हाथ से निकल जाते लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इवेंट में अभी भी बंदे हैं तो चलो उनको पकड़ते हैं तीन तुम्हारे भाई के हो गए बिना टाइम वेस्ट ना आगे बंदों के ऊपर पुश करने वाला लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ कि टैप टैप के ऊपर जो तुम्हारे भाई ने दो नॉक निकाले हैं एक तो पिछले घर से मैंने निकाला था और एक यहां पे आके दोस्तों मैंने सिंगल टैप उस बंदे को डाउन किया तुम लोगों को कैसा लगा तुम लोगों ने मुझे कमेंट्स में लास्ट बताना है तो फिलहाल के लिए जितने सीधे गेम तुम लेकेजॉय करवाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए आज मेरे साथ

आज मेरे साथ अब देखो फ्रेंड यहाँ पर ना मैं तुम लोगों को सोलो वजह स्क्वाड की एक बहुत ही ओपी किस्म की टिप देने वाला हूँ यहां पर मैंने तुम लोगों को कंफर्म किया था कि इवेंट के ऊपर वाली साइड पर जो है ना फाइट हो रही है लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि टोटल कितनी टीम्स फाइट ले रही है और वहां पर टोटल बंदे कितने बैठे पड़े हैं तो मैंने दोस्तों मुझे जो सेंसिबल गेम प्ले यही लगा कि मैं इवेंट पे रह के जितने किल्स हो सकते हैं उठाता हूँ तो बहरहाल मुझे किल तो एक ही मिला एक तुम्हारे भाई ने किया नोक अब मैं चाहता तो मेरे पास रिकॉल था मैं पुश कर सकता था लेकिन वहां पर स्मोक्स हो गए थे यानी कि उसके टीममेट पहुंच चुके थे उसको रेस्क्यू करने के लिए और ऐसा भी पॉसिबल था कि मैं जब तक जाता मुझे लोकेशन का कोई आइडिया नहीं है रिकॉल खत्म हो जाता मेरा गेम प्ले जाया हो जाता तुम्हारे भाई की पेटी बन जाती और बाद में अपना आईपर्ट यानी कि दिवार पे मारा होता तो बहरहाल थोड़ी सेंसिबल गेम मैंने यही की कि कि मैंने सोचा पहले यार लेते हैं जोन उसके बाद इन बंदों से फाइट लेंगे तो यहां से अब मैंने भी जोन लेना है और उन बंदों से भी जोन निकल चुका है वो भी जोन में आएंगे तो उनको तुम्हारा भाई करने वाला आगे बैक स्टेप एक किल की बजाय तुम्हारा भाई वहां पर दो से तीन किल उठाने वाला है बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा बंदों की पेटी ते हैं जोन टू जोन प्ले तुम लोगों को दिखाने वाला हूं बिना टाइम वेस्ट किए आज मेरे साथ तो फ्रेंड जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहां पर जोन लेना तुम्हारे भाई के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता था अब यहाँ पर हमें एक किल मिलना था अगर मैं वहां पे पुश करता हूं शायद पेटी भी बन जाती है अब यहाँ पर तुम्हारे भाई को मिले हैं एक के बदले दो किल यहाँ पर तुम्हारे भाई ने स्मोक स्मोक कर दिए थे अब देखो चार बंदे अलाइव अलाइए एक हम यानी कि तीन एनिमीज कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये वन वज इज थ्री है या फिर वन वजेज टू वज इज वन है लिटरली कोई आइडिया नहीं है यहां पर तुम्हारा भाई इजिली जो है ना वो जोन की तरफ पुश करता गया और देखते हैं कि क्या बनता है तभी तुम्हारे भाई को इस चीज का आइडिया होता गया यार वन वजेज टू है एक बंदे को और वो दो बंदे मिलकर मार देते हैं और अब वहां पर तुम्हारा भाई करने वाला है वन वर्स टू तुम लोग देखोगे यार कितने को ओपी किस्म का तुम्हारा भाई आगे वन वर्स टू करने वाला है बिना एमबीएस के चलते चले गेम प्ले की तरफ तुम लोगों का एक फाइट सीन एंजॉय करवाता हूँ आज मेरे साथ

Polarity और यूसी है तो तुम लोगों को पता ही है तो बाबा जी कंफर्म है ना इसका तो कहने की जरूरत ही नहीं है बस तुम लोग अपनी आईडी मेंशन किया करो लाजमी खाली कमेंट नहीं किया करो यार आईडी लाजमी मेंशन किया करो ताकि जिसकी भी आईडी पिक को उसको डायरेक्ट हम यूसी या पॉपुलरिटी जो भी चीज उसको जरूरत है हम वहां पर उसको सेंड आउट कर दें तो उम्मीद है आप लोगों को अपने भाई का आज ये वाले का ये सोलो स्क्वाड का गेम प्ले बहुत ज्यादा पसंद आया होगा गेम प्ले पसंद आया हो गेम प्ले के लिए एक लाइक जरूर बनता है शेयर लाजमी किया करो जो भाई न्यू आए हैं लाजमी यार सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को लाजमी ऑल पे कर देना मिलते क्या लेकिन इन शीडियो में तब तक अपने भाई को दे इजाजत अपना ख्याल रखिएगा अपने भाइयों को लाजमी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज